सफर पूरा होने वाला, हम पहुंचने वाले हैं गाइस, हम पहुंच चुके हैं हमने मंजिल पर। सब्सक्राइब करो हमारा चैनल। तो गाइस मैं आपका स्वागत करता हूँ भाई एक और नए व्लॉग में। भाई आज है 15 तारीख, तो भाई मैं, पापा, काजल दीदी और रोहित भैया, हम चारों जा रहे हैं मुंबई वापस हमारे आधे सामान लेने। गाइस एक बार हाय कर दो। हाय कर दो। हाय हाय, क्या रहे? हालत देख क्या हो रही? देख देख, तू भी आ रहा है ना गाँव? हाँ? तू भी आ रहा है ना? हाँ, आ रहा हूँ। मुंबई 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 गाँव में तो रहते ही अभी। हाय कर दो। नहीं देख आदि, नहीं बिल्कुल नहीं। हाय करो। बिल्कुल नहीं। हाय करो। नहीं नहीं नहीं, हाय अलाउड ही नहीं है। हाय करो। हाय हे, तुम्हारे नालायक बच्चे एकदम नालायक हो गए। मोबाइल 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 और कुछ है नहीं क्या? ये तो कंटेंट था अपना। दूर करो मोबाइल को, जिंदगी को देखो कि कहां भाग रही है। ये तो कंटेंट था। फ्यूचर क्या है? वर्तमान में मत जियो, आपके प्राण छीन लेंगे। आप तो गाइस बस अभी हम निकल गए, हमारा पूरी अब इस तरह ना आपके ये रहे, इतने सामान है बस। बस कौन उठाएगा? चार पाँच उठाएगा और रोहित उठाएगा, मैं तो नहीं उठाऊंगी। आप इधर ही बैठे रहूंगी। सॉरी सॉरी सॉरी, आप इधर सॉरी नहीं, वो तेरा लैपटॉप है, उसने मेरे को प्रॉब्लम दी। एक चाहिए इसको। तू क्यों आ रहा है पर? मैं मेरे मैडम से मिल के आऊंगा। छुट्टियां हो गई तुम्हारी? तो फिर क्लासमेट से मिलके आऊंगा इस बोल दे। ये तो पता नहीं कहाँ वाशी को खेलने, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने, ये तो रहेगा नहीं। मैं क्यों जाऊंगा घूमने? हम खाते हैं। बता दूंगा तेरे को, देखना तू जाएगा। आ रही है भाई, तू जा रही है? चल बाय बाय। मिट्टी में कुछ भी सवारी चल गई बापू। अरे भाई रिक्शा छोटे हो गए, हम बड़े हो गए। हेलो गाइस, आपको लगेज ले लिया गया? लगेज ले लिया गाइस। अब हो गई है जगह चेंज, मैं आ चुका हूँ पीछे, आयुष गया आगे। आयुष कैसा लग रहा है आगे बैठ के? बहुत अच्छा लग रहा है। पापा नाराज है आदि भैया से। क्यों? अभी देखना ना कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं दुखी हूँ। क्यों बाबा? अपने मेरा ससुराल मायका बन गया, मेरा मायका ससुराल बन गया। मायका ही नहीं रहे थे वो लोग। छुट्टियों में मैं मुंबई से इधर आता था और अपने कार में इधर से मुंबई जा रहा हूँ। तेरे उम्र के ही है ना? हाँ, मतलब लोचल में भी है, चापोली में भी है। अभी हम जब बड़े हुए थे हमारे उम्र का कोई था ही नहीं, एक था मेरा दोस्त किशनिया। गाइस हम पहुंच चुके हैं हमने मंजिल पर। मंजिल पर बाप रे, चड्डी किसने पहनाई? उतारो उतारो उतारो। ये देखो वो लोग जा रहे हैं ऊपर रेसिंग के लिए, कौन जीतेगा देखते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 1 2 3 4 गाइस पापा उधर देखो क्या कर रहे हैं, छुपे हुए हैं, हमको दिख रहे हैं। अरे 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 क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अकेले अकेले ठंडा बॉटल पड़ी थी तुम्हें, बोला कोई पी नहीं रहा, मैं पी लेता हूँ। कहाँ पड़ी थी? इधर रस्ते में पड़ी है। आपने खरीदा भी? नहीं नहीं, रस्ते में पड़ी थी। खुली बॉटल थी पापा। यार अकेले अकेले मामू पीछे पीछे अकेले, कैसा कंटेंट बना रहे हो? कंटेंट नहीं, मेरा मामू ऐसा कब हो गया? नहीं था ही नहीं मेरा मामू ऐसा। चुपके पी रहे हो पापा? नहीं बाबा ठंडी नहीं है। हाँ वही तो, 2-3 दिन पहले पुरानी पड़ी थी, चुपके पी रही। 2-3 दिन पुरानी, इतनी ठंडी पड़ी है अभी, गर्मी हो रही तो भी टेम्परेचर लो है ना। चलो ट्रेन आ गई अपनी। अब भी बोल तू, अब भी टिकट कर लूँ। गाइस हमारी यहाँ पे ट्रेन है। मामी एक बात बताऊँ, अमित के साथ जो भी चीज़ लेना आप लोग, आपने भेजा है ना हम लोगों को, आदित्य को, मेरे को, वो घटिया ही मिली है चीज़। घटिया मतलब चीज़ अच्छी रहती है लेकिन वो जानबूझ के ऐसी चीज़ दिलाता है। अब उस दिन पापा बोल रहे थे ना लैपटॉप के लिए कि बार बार कौन लेगा, 50-60 मैं देता हूँ अच्छा वाला ले ले, लेकिन उसने लिया 20,000 वाला। चंचल को 20,000 वाला ही देना। वो तो ठीक है मामा, लेकिन आप आदित्य को उस टाइम फोन अच्छा ले सकता था ना, 12 दिए 15 दिए 16 दिए, उस टाइम थोड़ा स्टोरेज वाला ले। अरे रुकना रे, ये ट्रेन क्यों रुकी है बताओ?
ये ट्रेन का मुझे लगता है कुछ टेक्निकली फॉल्ट हो गया, जैसे इसका शायद टायर वगैरह पंचर हो गया हो। और अमित भैया को बोल देना वो वाली बात। अमित भैया ब्लॉगिंग देखो, नहीं पंगा नहीं लेना। नहीं नहीं कुछ भी, कुछ भी आगे सर इसको जरूरी मोटो है सैलरी है। सॉरी अमित भैया, सॉरी आई लेंगे अमित भैया की सैलरी। अमित भैया की सैलरी की आदि भैया को फोन दिला देना, कम से कम 30,000 से ऊपर का। 30,000 तो होना ही चाहिए। कैमरा मस्त होना चाहिए इसमें, कितने का बिल। कैमरा भी मस्त और स्टोरेज होना चाहिए इसमें। बिल्कुल नहीं, मोबाइल वोबाइल से खिलौना नहीं। उसका बाप उसको 1-1.5 लाख का अब भी दिला सकता है अब, लेकिन दिलाएगा नहीं। उसका करियर बनाना है। करियर बनाओगे तेरा? हाँ इसको दिलाओ। भाई स्टेशन आया जयपुर, अब बस हमको लगेंगे और 16-17 घंटे मुंबई के लिए। आप कुछ कहना चाहोगे ट्रेन का सफर? नहीं देखो, पिंक सिटी में काम चालू है, पूरे बहुत सारी तारीफ देती है, आवाज नहीं आ रही। हेलो गाइस, हमारा कंपार्टमेंट आ गया एसी वाला, वो तो हम ऐसे बैठे थे। दिन में बना था, दिन में अच्छा बनता है वीडियो। दिन में कौन आएगा, सारे आधे आधों की शक्ल। रोहित भैया आप नहीं आए अंदर? आप एसी का स्वाद तुम लोगों ने चखा ना, बस इसलिए मैंने देखी है। गाइस हमारा कंपार्टमेंट चेंज हो गया, आगे हो गया गलती से। एसी अंकल आए, बोले कि आगे है। और बाबा कैसा रहा? गलत जगह बैठ गए वही 33, 34, 35, 36 सही बैठे थे। हाँ पर वो एसी में नहीं, नॉन एसी है यार। हेलो गाइस, तो भाई मैं यहाँ पे रुका हूँ भाई सवाई माधोपुर में। यहाँ पे हमारा इंजन चेंज हो रहा है, तो भाई मैंने चश्मा भी अंदर रख दिया। मैं तो स्टेशन पे ऐसे बिना चश्मे के घूम रहा हूँ मैं और भाई। यहाँ पे चल रही है मेरी आइसक्रीम पार्टी, बाकी सब तो सो रहे हैं भाई अंदर। तो गाइस आप सभी को गुड मॉर्निंग, हमारी अभी गुड मॉर्निंग हुई है भाई। पानी की। तो गाइस हमने क्या लिया दिखाओ, आवाज बहुत आ रही है। आयुष मैंने बोला ला पानी दे, आज हमारी चलेगी रोहित भैया और मेरी। अरे पानी दे यार। नहीं पापा ने मना किया है। किधर है वो, गए हो? पानी दे, पानी दे। सको। अरे बस से ज्यादा पानी मत पियो। शादी का ख्याल दिल में आया है, मम्मी ने तुम्हें चाय पे बुलाया। बोला रेड कार्ड ले बेस्ट टाइम दे। अब गरम के बीच में आ गए, ये आ गए सर। तो इस दिल पर इल्जाम सागर जैसी आंखों, तो बता तेरा नाम है क्या? ये देखो लौंडा। अकबर अकबर हमने मुझे बुलाया शेरा वाली, मैं आया शेरा वाली। ऊंचे पर्वत लंबा रसीता, ऊंचे पर्वत लंबा रसीता, शिरडी वाले साईं बाबा आया तेरे दर पे सवारी। आंखों में आंसू दिल में उम्मीदें,
शिरडी वाले साईं बाबा हमसे प्यार है दिया बेकरार है आजा मेरी बुल बुल तेरा इंतजार है माल के गुलाबी काल माल के लिए खरीदा मैंने सैंडल सैंडल का कलर था लाल गुलाबी गाल देखो आज मेरी लड़ी है आग जिसे लड़ी है वो तेरी माँ से भी बड़ी है अभी हम पेंड्रा पहुंच गए हमको जहाँ पे आना था भैया को हो गया डिहाइड्रेशन पानी सबको ही हो गया यार सबको ही हो गया सबको खुद देखो इसको खुद क्या खुद क्या बॉम्बे पहुंचे हैं घर पे जाएंगे नहा धोएंगे रेस्ट करेंगे उसके बाद देखेंगे जो करना है खुद 14 लीटर आम लाना है खूब खाएंगे 5 दिन मजे करेंगे भाई मजे करेंगे एकदम मस्त वाले तो भाई अभी हम यहाँ से लेंगे टैक्सी और हम जाएंगे अपने एमके ठाकुर में 14 लीटर पानी आया जिसमें से 12 तो आपके पेट में गया है अभी हम जा रहे हैं हमारे घर ऐसे लद के किसी और के घर जाएंगे मतलब लदने का मतलब मारवाड़ी में होता है क्या होता है बताओ लद के हाँ ऐसे बैठ के तो गाइस भाई अभी हम घर पहुंच गए आयुष है ना हमने हमारे पापा के भाई को चाबी दे रखी है इतनी गंदी हालत हो गई है गाइस ओ भाई नहाएंगे नहाएंगे धोएंगे बस आयुष चाबी ले आए चाबी का वेट हो रहा है कब से ये व्लॉग में यहीं पे खत्म करता हूं मैं आपको मिलता हूं भाई नहाने धोने के बाद तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग एक दूसरे को टच करने का भी मन नहीं कर रहा है ठीक ना भाई भाई तो क्या हुआ कीप सपोर्टिंग एंड स्टे सेफ बाय बाय बोल दो गाइस जल्दी दी बाय बाय सब्सक्राइब करो हमारा चैनल।